हमारे कुछ साथी खास तौर पे वो ट्रांसपोर्टर जो टैक्सी ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में है, वो अक्सर क्या गलती कर रहे हैं, नो क्लेम की बारे में, नो क्लेम रिजर्विंग लेटर जब बनता है, जब वो 5 साल तक क्लेम नहीं लेते हैं, तो वो क्या करते हैं कि पुरानी गाड़ी जब टैक्सी गाड़ी को प्राइवेट करवाते हैं तो उस वक्त में उस गाड़ी का एनसीबी लेते हैं। लेकिन इसमें क्या मतलब, एनसीबी लेना तो कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, एनसीबी ले लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उनको एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर वो गाड़ी सेम नाम से ट्रांसफ़र हो रही है, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, अब एक्स वाई जेड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कमर्शियल नंबर है और वो गाड़ी कन्वर्ट होती है प्राइवेट कार के अंदर एक्स वाई जेड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि नाम चेंज, नाम सेम है, तो जो नो क्लेम बोनस का रिजर्विंग लेटर है वो नहीं बन सकता है। और अगर आप गलती से नो क्लेम बोनस का रिजर्विंग लेटर ले भी लेते हैं तो उस स्थिति के अंदर आप अगर उस नो क्लेम बोनस को यूज़ कर लेते हैं और फ्यूचर में जाकर के जिस नई गाड़ी पे आपने उसको यूज़ किया और पता लगता है कि पुरानी गाड़ी भी सेम नाम से चली आ रही है, तो वहाँ पर जो है हमारा क्लेम जो है वो रिपोर्टेड हो सकता है। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब तक कि वो पुरानी गाड़ी सेल नहीं होती है तब तक हमें एनसीबी जो है अगर ले भी लेते हैं तो उसे यूज़ नहीं करना है। सबसे पहले तो कोशिश ये करी जाए कि उस गाड़ी को दूसरे नाम से ट्रांसफ़र कराया जाए, चाहे प्रोप्राइटर के नाम से कराया जाए, चाहे डायरेक्टर के नाम से करवाया जाए, किसी भी एक्स वाई जेड नाम से किया जाए। और अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो टीम से संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसी बहुत सी जानकारी आपको चैनल पर लगातार मिलती रहेगी। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ।